मौजूदा समय में सेहत को लेकर कई नई नई प्रॉब्लम्स सामने आती हैं। उम्र के साथ एक प्रॉब्लम आती है गठिया की, हड्डियों से जुड़ी हुई एक बीमारी है। इसके कई तरह के इलाज होते हैं, जिसमें एक ट्रांसप्लांट भी होता है, उससे पहले भी कई चीज़ें होती हैं। हमारे साथ हैं JSVM मेडिकल कॉलेज कानपुर के अस्थि रोग विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर फहीम अंसारी। हड्डी रोगों से संबंधित जो बेसिकली मेन एक बीमारी है गठिया, उसमें इन्होंने अभी तक 10,000 से ज़्यादा PRP थेरेपी के जरिए इलाज किया है हज़ारों मरीजों का, और उसके बेहद अच्छे नतीजे सामने आए हैं। तो क्या है ये थेरेपी, कैसे होती है, इस बारे में हम लोग डॉक्टर फहीम अंसारी से बात करेंगे। तो फहीम जी, ये PRP थेरेपी एक्चुअली है क्या, पहले तो ये बताइए। PRP थेरेपी में पेशेंट का हम लोग ब्लड लेते हैं, ज़्यादा नहीं 20-25 ml ब्लड ही उसका लेते हैं, और स्पेशल ट्यूब्स होती हैं उसके अंदर, उसको सेंट्रीफ्यूज करके उसमें से PRP प्लेटलेट रिच प्लाज्मा को एक्सट्रैक्ट करते हैं, जिसमें ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो कि आपकी हड्डी को रिपेयर करने की, या आपके सॉफ्ट टिश्यू को, आपकी स्पोर्ट्स इंजरी को रिपेयर करने की उसमें ताकत होती है। और इसको हर महीने हम लोग करते हैं, इंजेक्शन के मात्र तरीके से लगाया जाता है और सुचारू रूप से लग जाता है आराम से। जो हड्डी रोग है खासकर कि गठिया, तो इसको लेकर के इसमें इस बीमारी के इलाज में PRP थेरेपी कितनी कारगर है आपके हिसाब से? PRP थेरेपी जो, क्योंकि गठिया के पेशेंट अभी सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से, वज़न बढ़ने की वजह से थोड़ा सा ज़्यादा हो गए हैं, अर्ली 40s में पेशेंट को गठिया की चेंजेस आ जाते हैं, और जो आर्थराइटिस के पेशेंट हैं स्टेज 1, स्टेज 2, अप टू स्टेज 3 भी हम लोगों ने PRP पेशेंट को, हमारे पास मोस्टली पेशेंट लेट ही आता है, स्टेज 3 में ज़्यादा आता है, तो उसको काफ़ी कारगर है। और थोड़ा सा इसमें डिलेड रेस्पॉन्स क्रिएट होता है पेशेंट में, क्योंकि जो ग्रोथ इंस्टेंट रिजल्ट नहीं है इसमें, 3 महीने के बाद पेशेंट को फ़ायदा आना शुरू होता है, जो आज इंजेक्शन लगता है साल भर तक वो रिपेयर बॉडी के अंदर चलता रहता है, और पेशेंट को सस्टेंड रिस्पॉन्स मिलता है PRP में। ऐसा नहीं है कि इंजेक्शन लगवाया तो उसको वो उसके रिजल्ट चले गए, वो रिपेयर जो होता है वो काफ़ी हद तक परमानेंट उसको फ़ायदा पहुँचता है उससे। गठिया में एक तरीके से ये कहा जाता है कि जो घुटनों के बीच कार्टिलेज होती है घिस जाती है, इस वजह से ये प्रॉब्लम होती है। तो क्या PRP थेरेपी के जरिए उसको जो कार्टिलेज घिस चुकी है वो रीजनरेट भी की जा सकती है? जी हाँ, उसके अंदर जो ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं बेसिकली वो वहाँ पे फाइब्रोब्लास्ट डिपोजिशन करते हैं, और कार्टिलेज उससे काफ़ी दिन हद तक उसके अंदर रिपेयर होकर आती है। हमारे पास कई 100 पेशेंट इस वक्त ऐसे हैं जिनकी कार्टिलेज वापस रीग्रो हुई है, और उनके चेंजेस हमने आराम से MRI में भी देखा, पेशेंट की जो फिजिकल एक्टिविटी है वो भी इम्प्रूव हुई है। तो डेफिनेटली PRP का यही बेनिफिट है कि वो रिपेयर करने के बाद रीजनरेट भी उसको काफ़ी देर तक कर देती है। एक सवाल इसमें फिर ये भी उठता है कि किस स्टेज में समझें कि पेशेंट को ट्रांसप्लांट ही उसके पास आखिरी रास्ता है, उससे पहले किस स्टेज तक PRP थेरेपी आप मानते हैं कि कारगर है, कि किसी भी स्टेज में अगर गठिया है पेशेंट को तो दी जा सकती है, या कोई एक लिमिटेड कुछ पैरामीटर्स हैं जिसमें कारगर ही हो सकती है? एक्चुअली जो लिटरेचर में जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था, हमने स्टेज 1 स्टेज 2 में ही PRP को शुरुआत में किया था, लेकिन बाद में हमने देखा कि स्टेज 3 स्टेज 4 के पेशेंट होते थे, उनको ट्रायल दिया और उनके अंदर भी 50% रिस्पॉन्स उनको भी मिलता है, क्योंकि ग्रोथ फैक्टर्स अपना हीलिंग का रिस्पॉन्स देते हैं, कंप्लीट रिकवरी नहीं होती है, लेकिन स्टेज 4 में भी हमने 50% पेशेंट को उनका पेन रिलीफ किया है। और बाकी पेशेंट ऐसे हैं जो ऑपरेट नहीं करा सकते, तो हम ये कहते हैं कि आप PRP से हम आपका पेन कम कर पाएंगे, क्योंकि अब आप उस स्टेज में हैं कि आपका नी रिप्लेसमेंट होना चाहिए, लेकिन अगर वो नहीं करा पाते हैं ये सेहत की वजह से या फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से, तो हम लोग उनको भी PRP देते हैं और थोड़े से उनके सेशंस बढ़ा देते हैं, किसी किसी पेशेंट को 4, किसी को 5 सेशन भी लगता है, कभी बार उसके लिगामेंट्स को भी हमको स्ट्रेंथनिंग करनी पड़ती है, वो पेशेंट भी इम्प्रूव होते हैं इससे। गठिया के अलावा जो और भी जो हड्डी से जुड़े हुए बीमारियां हैं, उसमें ऑस्टियोपोरोसिस है और भी बीमारियां जो हैं, उसमें ये थेरेपी कारगर रहती है?
पीआरपी को हम लोगों ने आर्थराइटिस के बाद जो स्पोर्ट्स इंजरी पेशेंट होते हैं, खासतौर पे शोल्डर इंजरीज हैं, टेनिस एल्बो है, गोल्फर्स एल्बो है, जो कोनी में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं या रिस्ट में प्रॉब्लम्स हो जाती है, उसमें हमने इस्तेमाल किया। फिर बाद में हम लोगों ने फ्रैक्चर यूनियन में इसको इस्तेमाल किया, जो पेशेंट थोड़े से वीक हैं या कोमॉर्बिडिटी उनके पास ज़्यादा है, हीलिंग पोटेंशियल उनका कम है, उनके फ्रैक्चर्स को अर्ली हील करने के लिए भी हम लोगों ने पीआरपी डाला, तो फ्रैक्चर हीलिंग में भी इसका इस्तेमाल हुआ। तो आपने देखा कि किस तरह से पीआरपी थेरेपी के ज़रिए कानपुर में डॉक्टर फहीम अंसारी जो हड्डी से जुड़े बीमारियां हैं, खासकर गठिया बाई हो गया, इनको इनके मरीजों को राहत देने की कोशिश कर रहे हैं। कानपुर से अंकित शुक्ला की रिपोर्ट।